नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं किस तरह से हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। इसी बीच एक और बुरी खबर आई है हमारे भारत देश के लिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक गैस लीक कांड आया है। तो क्या है विजाग गैस लीक कांड? लगभग सुबह 2:30 पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री है एक, उसमें प्लास्टिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उसमें एक गैस का रिसाव हुआ जिससे 11 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और 1,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो मौत का कारण क्या है? मौत का कारण बताया जा रहा है कि स्टायरीन नामक एक गैस का रिसाव हुआ है फैक्ट्री में, तो वही मौत का कारण बताया जा रहा है। तो स्टायरीन क्या है हम जानेंगे थोड़ा सा, कितनी खतरनाक होती है स्टायरीन। स्टायरीन गैस प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है और इंसानों के शरीर में जाने से आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ़, बेहोशी, उल्टी जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं। अब मुख्यतः इसका प्रभाव नर्वस सिस्टम पर होता है। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि प्लास्टिक उत्पाद के लिए जो गैस का प्रयोग हो और हमारे फेफड़ों में अगर प्रवेश करे तो वो एक समय के बाद जम जाएगी, तो पूरे रास्तों को ब्लॉक कर देगी, तो वो काफ़ी जैसे बेहोशी और उल्टी जैसी समस्या होती हैं। प्रभाव क्या रहा है अभी तक इसका? 11 मौतें हो चुकी हैं और 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में 1,000 से अधिक लोग बीमार हैं। तो राहत कार्य क्या किए जा रहे हैं? जिला प्रशासन ने 3 किलोमीटर के आसपास सभी घर खाली करवा दिए हैं और बीमार जो हैं उनको एक किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जो है उसका मीटिंग बुलाई है और गृह मंत्रालयों के अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाई है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और गुजरात से केमिकल मंगाया गया है जो स्टायरीन गैस के रिसाव को उदासीन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो